नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और खास करंट अफेयर्स की खबरों के साथ मौजूद हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में नया कानून आया है, ड्राफ्टिंग हो चुका है और कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। नया कानून अगर आया तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करना अब आवश्यक हो जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत में इन दिनों बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने का एक प्रकार से सोचें तो हमारी संस्कृति में चीजें शामिल हो जा रही हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चिंतन हुआ और कैबिनेट ने भी चिंतन किया। अब अगर बूढ़े माँ बाप को कोई घर से निकाल देता है या उनकी सेवा नहीं करता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। 2007 के कानून में कड़ा प्रावधान किया जा रहा है। 2007 के कानून के मुताबिक आप अपने पिता और माता को अगर साथ में नहीं रखते हैं और आप दूसरे किसी स्थान पर नौकरी करते हैं तो 10,000 रुपये मासिक भत्ता देना जरूरी होगा। लेकिन नए कानून जो आ रहे हैं उसमें आपके इनकम के अनुसार माता पिता को पैसा देने के लिए आप बात हो जाएंगे। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि पुराने कानून में सजा का प्रावधान 3 वर्षों का था, नए कानून में इसे बढ़ाकर 7 वर्ष का कर दिया जा रहा है। कैबिनेट के ड्राफ्टिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला को भेजा जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे निर्देश दिया था कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। भारत में इन दिनों गहन चिंतन चल रहा है। IAS जैसी परीक्षा में पूर्व में मेंस में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या भारत जैसे देश में वृद्धा आश्रम बनाना सही है। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी में बुजुर्ग अधिक संख्या में रहते होंगे। उनके बच्चे आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हैं, लेकिन उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ वो उन्हें पैसा भेज देते हैं। क्या सिर्फ पैसा भेज देने से बुजुर्गों की समस्या का समाधान हो जाएगा? हम आपसे एक प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भारत में बुजुर्गों को आज क्या चाहिए? पैसा चाहिए, समय चाहिए, केयरिंग चाहिए या तीनों चाहिए? आज भारत में जिस प्रकार की स्थिति है कि प्रतिदिन आप अखबारों में देखते होंगे कि माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। नए कानून में बेटा बेटी के अलावा नतनी, नाती, पोता पोती, दामाद और जो बहू है उसे भी कटघरे में खड़ा किया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं बोल सकता है कि वह अपने माता पिता को साथ में नहीं रख सकता। हम आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होगा कि वो अपने माता पिता को अपने साथ में रखे। हम आपको ये भी बता दें कि प्रतिदिन जो भी बच्चे अपने माता पिता की केयरिंग करते हैं और ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अच्छा न्यूज मिलेगा और कैबिनेट की भी जो ड्राफ्टिंग हो रही है उनके फेवर में हो रही है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि ये कानून बनाना जरूरी हो गया था और इस कानून में ये प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, उनकी इनकम अगर 2 लाख रुपये महीने होती है, 3 लाख रुपये महीने होती है, तो फिर वो माता पिता को सिर्फ 10,000 रुपये देंगे और ऐसी स्थिति में माता पिता चाहें ज़्यादा पैसे के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा होने से भारत में बुजुर्गों की जो समस्या है उसमें निश्चित रूप से नियंत्रण हो पाएगा और उन्हें केयरिंग हो पाएगी। आज के समय में समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, लोग माता पिता को लगभग केयर करना छोड़ देते हैं। मैक्सिमम बच्चे भारत में पढ़ करके और फिर वो चले जाते हैं दूसरे देश, और दूसरे देश में जाने के बाद ये बच्चे यहाँ से वापस भी भारत लौट करके नहीं आते हैं। इसका नुकसान जो है वो बुजुर्गों को होता है। हमारे साथ आप ऐसे ही खबरों में बने रहेंगे, नया विश्लेषण फिर से करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।